राजधानी शिमला में चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, चोरों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला एसपी ऑफिस से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित लोअर बाजार का है, जहां चोरों ने मोबाइल की दुकान पर लाखों के मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया है। लोगों ने पुलिस पर रात को शहर में गश्त न करने के आरोप भी लगाए हैं। मोबाइल रिपेयर दुकान चलाने वाले मानस गुप्ता ने बताया कि वह रात को 8:30 बजे हर रोज की तरह दुकान बंद कर घर गए। जब सुबह दुकान को आके देखा कि शटर का ताला टूटा हुआ था। उनकी दुकान से आईफोन चोर उड़ा ले गए, जिसे उन्हें 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पुलिस ने मौके पर आकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जल्द कार्रवाई कर मामले को सुलझाएगी। वहीं एएसपी शिमला रमेश वर्मा ने बताया कि सदर थाने में मोबाइल रिपेयर की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस मौके पर जाकर जांच कर रही है। यह व्यक्ति पुराने मोबाइल रिपेयर व रीसेल करता है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जाएंगे और जल्द चोरों को शिकंजे में लिया जाएगा। वहीं रात के समय में पुलिस द्वारा गश्त न करने के आरोपों पर एएसपी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पुलिस रात के समय गश्त करती है, लेकिन गश्त की बीट लंबी होती है। पुलिस गश्त को सुदृढ़ करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में चोरियों की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसीलिए लोगों को मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। जी, अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम है मानस गुप्ता। जी, किस तरह का नुकसान हुआ है आपका? सर, हमारा सेकंड हैंड मोबाइल का ही काम था, जिसमें एप्पल और एंड्रॉइड के सारे मोबाइल थे, सब बड़े छोटे। कोई 70,000 का था, कोई 60,000 का। मिनिमम सर कोई 25-30 मोबाइल गायब हुए हमारी दुकान से, और मैक्सिमम एप्पल के ही हुए। और जो हम एंड्रॉइड रखते हैं, वो डब्बे समेत तीनों डब्बे गायब हुए। एक डब्बे में कम से कम 15 से 20 मोबाइल होते हैं। और मेरी सारी मेहनत ले गई, मेरा 3 साल 4 साल की जो भी थी। मैं रात को 8:30-9 बजे दुकान बढ़ा के अपनी यहाँ से गया। मैं तारा हॉल में रहता हूँ जी, और हम सुबह 10 बजे यहाँ दुकान खोल देते हैं। तो लड़का मेरा दुकान पे आया सुबह, मैं साथ ही आया, तो हमने देखा एक साइड का ताला लगा हुआ था सर, और एक साइड का टूटा हुआ था। वो पूरा कुंडा ही टूटा हुआ था। और अंदर देखा हमने तो सारा काउंटर तहस नहस हुए हुए थे, नीचे से तोड़ दिए हुए थे, ऊपर से शीशा टूटा हुआ था, और सारा अंदर से काउंटर वाउंटर खुले थे, सारा माल ले गए। कितने का नुकसान हुआ है सर? कम से कम 7-8 लाख रुपये। पुलिस को कब सूचित किया आपने? सर, हमने सबसे पहले पुलिस को सूचित किया, अपने शटर देखे, उसके बाद पुलिस आई, उन्होंने शटर खोला, आगे कार्रवाई की। अब बाकी जो भी है, पुलिस को शासन किया आपने। क्या किसी पे शक है? सर, शक तो क्या बताएं, अब दुकानदारी का मामला है, 100 लोग आते हैं, 1,000 लोग जाते हैं, किसको क्या कह सकते हैं। इसमें दुकान में कोई सीसी कैमरा वगैरह है? दुकान के सामने सीसी कैमरा है, दुकान पे तो कोई सीसी कैमरा है नहीं। जी सर, लोअर बाजार में मोबाइल की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला सर? आज सुबह जो है थाना सदर में एक रिपोर्ट आई है कि एक मोबाइल रिपेयर की एक मानस नाम के व्यक्ति की दुकान है लोअर बाजार में, उसके ताले टूटे हुए हैं, जिस पर जो कि पुलिस मौका पर गई है और मौका पर पाया है कि शटर के जो दुकान के ताले वो टूटे हैं और अंदर जो है सामान बिखरा पड़ा है। ये व्यक्ति जो है मोबाइल रिपेयर का काम करता है, तो उनका कहना है कि जो पुराने जो मोबाइल हैं रिपेयर और रीसेल वाले, वो वहां पर थे और वो कुछ वहां से चोरी होना पाए हैं। अभी इसकी जांच की जा रही है कि ये कितने मोबाइल थे, किसके मोबाइल थे, ये डिटेल हम बाद में आपको दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम ये देख रहे हैं कि जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वो फुटेज हम खंगाल रहे हैं और छानबीन कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि शीघ्र ही हम जो ये चोरी को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, उन तक पहुँच जाएंगे। और मेरा लोगों से यही निवेदन है कि जैसा कि सर्दियों में अक्सर जो है चोरियों की घटना में बढ़ोतरी हो जाती है, तो वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और कोई भी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो ऐसे घर में ना रखें जहां पर खुद ना रहे हो रह रहे हों, ताकि जो है उनके जान माल की जो है सुरक्षा की जा सके। नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है। गश्त हमारी रेगुलर होती है लोअर बाजार, माल रोड और हर थाना क्षेत्र में। साथ ही साथ थाने के जो अधिकारी या थाने की वाहन है, वो चेकिंग भी करते हैं। लेकिन आपको पता है कि गश्त की बीट एक लंबी बीट होती है, तो गश्त तो निरंतर की जा रही है, गश्त निरंतर की जा रही है, लेकिन फिर भी छुटपुट इस तरह की घटना कई बार हो जाती है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से चोरियों पर अंकुश लगाया जाएगा। हमारा प्रयास यही है कि गश्त को हम और सुदृढ़ करें और नाकाबंदी करें, चेकिंग, नाइट चेकिंग को बढ़ाएंगे, ताकि जो है भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।